मेरे साथ चलिए मुंबई में लंबी ड्राइव पर और एंजॉय करने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड। हेलो फ्रेंड्स, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में मेरा मन किया कि आपको ले चलूं थोड़ी सी मुंबई की सैर करने। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, जहां पर मैं अपनी गाड़ी में घूमूंगी और मुंबई के बढ़िया जायके ट्राई करूंगी। तो मेरी गाड़ी हो चुकी है पूरी 100% चार्ज और अब हम चलते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला स्टॉप है सायन का A1 समोसा। अब मेरी यादों में ये जगह ऐसे बसी है कि जब भी हम लोनावला के लिए निकलते थे ना, यहाँ से समोसे उठाकर ही निकलते थे। और जब भी ज्यादा वक्त होता था तब इसके सामने जो गुरु कृपा है वहाँ पर बैठ के छोले और टिक्की एंजॉय करते थे, पर जब भी ज्यादा वक्त नहीं था यहाँ से समोसे उठाए और निकल लिए। और यहाँ पर आपको आई थिंक एटलीस्ट 11 डिफरेंट टाइप्स के समोसे मिलेंगे। पनीर की फिलिंग वाले समोसे की अलग वैरायटी, कुछ फ्यूजन फ्लेवर्स जैसे पास्ता समोसा हो गया और चाइनीज समोसा भी है। मुझे इनका जो सादा अपना आलू वाला समोसा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर आज मैंने लिए हैं 2 या 3 अलग फ्लेवर्स, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो ये ऐसे समोसे पैक करके मिलते हैं और इनके पैकिंग पे भी बाहर समोसे बने हैं, सारे इंडिविजुअली पैक्ड हैं। एक्चुअली समोसे की साइज काफी छोटी सी हो गई है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना छोटा होगा, बट अच्छी बात है कि ये गरम है। अब मैंने 4 अलग समोसे लिए हैं। ये वाला है पनीर टिक्का समोसा और अंदर लिटरली पनीर के टिक्के के छोटे छोटे पीसेस बना के स्टफिंग कर दी है। ये बहुत ज्यादा तीखा नहीं है पर इसमें एक बहुत ही चटपटा सा मसाला है जो इसे काफी टेस्टी बना रहा है। चलिए एक और फ्लेवर ट्राई करते हैं। ये वाला जो समोसा है इसकी साइज बड़ी है नॉर्मल समोसे जैसी, अपना रेगुलर आलू वाला मसाला है। एक्चुअली मेरा फेवरेट यही है, किसी भी जगह की जो सबसे सादी चीज होती है ना वही मैं पसंद करती हूँ। अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो मुझे कमेंट्स में हाई फाइव जरूर दें। वो जो आलू का जो फ्लेवर है वो एंजॉय करने को मिलता है समोसे में, मिर्च वगैरह ज्यादा नहीं है, एकदम हल्की सी। और सबसे बढ़िया बात इसकी कवरिंग, उसका जो खस्तापन है बहुत ही बढ़िया। इसे खाकर ना मतलब बिल्कुल पहले की यादें ताजा हो गई, बस ऐसे लग रहा है कि अभी ही लोनावला निकल जाए। अब ये वापस छोटा वाला समोसा आ गया। हाँ ये चाइनीज वाला है, इसके अंदर तो नूडल भरे हुए हैं, नूडल स्प्रिंग अनियन, बिल्कुल वो चाइनीज वाली महक है, विनेगर वाली। स्वाद तो इसमें भी है। ये वाला जो समोसा है ना वो सिर्फ गर्मा गर्म अच्छा लगता है, थैंकफुली ये काफी गर्म है। और एक्चुअली आप जब भी यहाँ पर आते हैं, आप जब ले जाएंगे तभी आपको गर्म ही मिलेगा। ये तो एकदम चटाकेदार पास्ता वाला समोसा है, उसका जो पूरा रेड सॉस है वो तो आप देख ही सकते हैं। मेरे हिसाब से चीज भी है इसमें। ये वाला फ्लेवर मैंने पहली बार ट्राई किया सिर्फ इस वीडियो के लिए। अगर आपको ऐसे फ्यूजन टाइप खाना पसंद है ना तो चाइनीज से ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये पास्ता वाला ट्राई करें। थोड़ा सा तीखा है, चिली फ्लेक्स और ये सब तो आप देख ही सकते हैं, बहुत मजेदार। 4 समोसे के लिए मैंने यहाँ पर भरे 65 रुपए। जो ओरिजिनल आलू की फिलिंग वाला समोसा है जो बड़ा है उसकी प्राइस है 15 रुपए। अगली जगह जो है वो है माटुंगा का मणिज। अब तो ये पूरा रेनोवेट हो चुका है। मैं यहाँ पर आती थी जब इसके अंदर भी एक छोटी सी जगह थी बैठने के लिए, या तो आप गाड़ी में या बाहर खड़े रहकर खा सकते थे। और इनके डोसे बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। आज मैंने यहाँ पर मंगवाया है मैसूर मसाला डोसा, इसकी प्राइस है 80 रुपए। इनके डोसे की क्वालिटी और टेस्ट दोनों ही बढ़िया होती है। स्ट्रीट फूड जैसा मैसूर मसाला नहीं है इसमें, वो ऑथेंटिक फील देने की कोशिश करी है। और अंदर का जो मसाला है उसमें आलू, प्याज, कैप्सिकम, टमाटर और चटनी, ये सारी चीजें मैश होकर दी जाती है। साथ ही आपको मिलती हैं 2 अलग अलग चटनियाँ। ये रही टमाटर वाली चटनी, टमाटर से ज्यादा मुझे लहसुन का फ्लेवर आ रहा है। और ये दूसरी वाली जो है वो अपनी सादी नारियल वाली चटनी, नारियल की चटनी का फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया है। चटनियाँ तो बढ़िया है ही, पर आप डोसे का भी टेक्सचर देखिए, एकदम बढ़िया पतला, ज्यादा भी पतला नहीं कि वो एकदम पेपर डोसा लगे, बट काफी पतला क्योंकि इसके अंदर पूरा मसाला है। ये ज्यादा तो क्रंची नहीं है पर टेस्ट बहुत बढ़िया है। इनका सांबार काफी सादा सा है, ज्यादा सब्जियां नहीं है अंदर। और ये जो केले के पत्ते पे खाने का मामला है ना, वो भी गाड़ी में बैठकर, काफी पसंद आया मुझे। इसके रेनोवेशन के बाद मैं शायद पहली बार यहाँ पर खा रही हूँ। वेट गो मनीष, मैंने इसको एकदम छोटी सी दुकान में इतना बड़ा चेन बनते हुए देखा है। इसके डोसे के अंदर जो मसाला है उसमें कड़ी पत्ता भी है, इसके अंदर जो कैप्सिकम और टमाटर है ना उनका एकदम क्रंच आ रहा है, वो ज्यादा मैश नहीं किए हुए है। ये वाला जो आउटलेट है ये माटुंगा सेंट्रल में है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नीचे दे दूंगी। अगर आपको इनके और ब्रांचेस ट्राई करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अब तो ये काफी बड़ी चेन हो गई है।
अगली जगह जो मैं आई हूँ वो है भानुशाली, और ये दादर में सेंट पॉल्स चर्च और स्कूल है, उसी के बिल्कुल बगल में है। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि अगर आपके माइंड में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ड्राइव करके या पार्क करके खा सकते हैं, तो आप में से ही किसी एक ने मुझे ये जगह बताई, तो मैंने सोचा कि मैं इस एरिया में हूँ तो ट्राई की जाए। ये एक छोटा सा ठेला है और ठीक 4 बजे शाम को ये जगह खुल जाती है। भीड़ से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ की दाबेली बहुत ही बढ़िया है, तो मैंने ली है अपने लिए एक दाबेली। एक्चुअली इसे निकालने के लिए मैं गाड़ी से बाहर आ गई कि इसमें तो पूरा का पूरा सेब लगा हुआ है और मेरी गाड़ी पूरी गंदी हो जाती। जब भी आप ये खाने आ रहे हैं तो गाड़ी से थोड़ा सा उतर के खाएं या बाहर खड़े रह के खाएं। इसके ऊपर इतना ज्यादा सेब होगा मैंने सोचा नहीं था, बट ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऊपर आप बटर मक्खन की परत देख रहे हैं, चमक रहा है धूप में। और ये रहा दाबेली का मसाला, एक बाइट ट्राई करते हैं। मैं एक्चुअली इसके अंदर अनारदाने के टुकड़े मिस कर रही हूँ, वो मुझे दाबेली में बहुत ज्यादा पसंद है जब छोटे छोटे पीसेस आते हैं, बट फिर भी इसमें फ्लेवर वो पूरा है। खट्टा मीठा, बहुत सारा प्याज है जो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दाबेली में। इसका साइज भी बहुत बड़ा है, 30 रुपए के लिए एक बड़ा वाला बन है। सब जगह से स्टफिंग बाहर निकल रही है और बिल्कुल भी सूखी नहीं लग रही है दाबेली। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बहुत सूखी लगती है। और इसमें मूंगफली भी ढेर सारी है, ये देखिए। इस जगह की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पर आएं, अपने गाड़ी से नीचे उतरे, बाइक से नीचे उतरे, खाएं और फिर जाएं। अब हम बांद्रा पहुंच गए हैं, जस्ट एंटर कर रहे हैं, और अब हम इस साइड का थोड़ा सा खाना एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर मैं एक्चुअली एक दो जगह जाना चाहती हूँ। एक तो है अमर जूस सेंटर जो कि विले पार्ले में है, कूपर हॉस्पिटल के यहाँ, और दूसरी बांद्रा में है। बट पहले हम जाएंगे अमर जूस सेंटर। हम पहुंच गए हैं अमर जूस सेंटर, ये कूपर हॉस्पिटल के सामने है। ये जगह मशहूर है रात को खाने के लिए। जो विले पार्ले एरिया में है और रात को कहीं कुछ लेट नाइट खाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग यहीं आते हैं। ये अपने पाव भाजी के लिए फेमस है और आपको पाव भाजी मिलती है गर्मा गर्म अपने गाड़ी में बैठ कर खाने के लिए। इनके पास और भी कई चीजें हैं जैसे कि स्नैक्स, सैंडविचेस, पर यहाँ की जो सबसे मशहूर चीज है वही हम आज खाएंगे। मैंने किसी को ये बोलते हुए सुना है इंग्लिश में, You don't know how hungry you are until you smell पाव भाजी। मैं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे में अभी तक इतनी भूख थी कि मैं ये पाव भाजी इंजॉय कर पाऊंगी। ये ऐसी पहली जगह है जहाँ पर मैं देख रही हूँ एक प्लेट भाजी में दो दो नींबू दिए है। आई थिंक यही अगर हम समर में आएंगे, गर्मियों के मौसम में, तब नींबू महंगे हो जाते हैं, तब आई डोंट थिंक 2 पीस मिलेंगे। आपको ऊपर से ऐसे लगा होगा थोड़ा सा बटर है, बट अंदर से जो इसका बटर का स्वाद आता है, मैंने इतना सारा ऊपर से प्याज डाला बट मुझे स्वाद सिर्फ बटर का आ रहा है। शायद वो पाव में से भी है क्योंकि पाव को तोड़ते ही मेरे हाथों में पूरा मक्खन आ गया। बोलना पड़ेगा कि भाई पाव में बटर थोड़ा सा कम डालो, बट एक्चुअली बात तो सही है, इन्होंने बटर में ही पाव को डाल दिया है। इसमें सब्जियों का स्वाद है, मसाले का स्वाद ज्यादा नहीं है, तीखी भी नहीं है ज्यादा। इनकी पार्किंग भी है तो आप आगे पीछे पार्क कर सकते हैं, खड़े रह के खा सकते हैं या तो आप गाड़ी में बैठ के खा सकते हैं। अगर आप लेट नाइट्स मुंबई में घूम रहे हैं और कुछ स्ट्रीट फूड ढूंढ रहे हैं तो अमर जूस सेंटर आपके लिए सही जगह है। एक और चीज, यहाँ के जूसेस बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने अपने लिए फ्रेश जूस भी मंगवाया है, वो ट्राई करते हैं। एक गंगा जमना, ऑरेंज जूस और मौसमी जूस। मुझे लगा मेरा वाला जूस गंगा जमना है, बट मैंने बिल में देखा तो यहाँ लिखा है मुन्ना मुन्नी जूस और इसकी कीमत है 105 रुपए। पाव भाजी की कीमत है 160 रुपए। विले पार्ले से निकलने से पहले मुझे लगा एक जगह यहाँ पर आपको और दिखाई जाए, और वो है एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सैंडविच की दुकान। ये है लकी सैंडविच और ये जगह 1981 से चल रही है। बहुत ही बेहतरीन सैंडविचेस, और अब तो इनके पास और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जैसे कि पिज्जा और ये सब अपने मेन्यू में, पर यहाँ पर जो शाम को भीड़ लगती है आपको देखनी चाहिए। अपनी सैंडविच लेकर या तो आप यहीं पर रुक कर खा सकते हैं या तो अपने गाड़ी में कहीं पार्किंग ढूंढ कर बैठ कर खा सकते हैं। मैंने अपने लिए यहाँ की वेज टोस्ट पैक करवाई है, चलिए देखते हैं कैसी दिखती है। पैकेट में से इनकी चटनी भी निकली और इनकी पैकेजिंग और ये सब तो बाकी सैंडविच वालों से और काफी बेहतर है। चटनी की जो महक आ रही है ना, ये तो मैं घर ले जाकर इसकी चटनी सैंडविच घर पे बना के खाऊंगी। आहा, ये देखिए वेज टोस्ट, ऊपर से ढेर सारा बटर डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कलर परफेक्ट तरीके से इसको क्रिस्पी बनाया है। अंदर है प्याज, बीटरूट, आलू, ककड़ी, टमाटर और ऑफकोर्स बटर और चटनी। सब्जियों का फ्लेवर, चटनी का फ्लेवर और बटर का जो फील है वो पूरी तरह से आ रहा है। इसमें चटनी एकदम ज्यादा नहीं डाली है कि आपको सिर्फ चटनी चटनी का फील है। सब्जियों का भी जो टेस्ट आता है वो इस टोस्ट ब्रेड के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे सैंडविच में वेज टोस्ट जितनी पसंद है उतनी शायद ही और कोई सैंडविच पसंद है। आपकी फेवरेट सैंडविच कौन सी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।
आज की आखिरी जगह है राम और श्याम चाट। ये सैंटाक्रूज़ की गलियों में है और की गूगल लोकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये मुंबई की सबसे पुरानी चाट वाली जगहों में से एक है और ये इतनी ज्यादा मशहूर है, सारे जो बांद्रा खार एरिया के सेलिब्रिटीज है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वो यहीं से चाट मंगवा कर खाते हैं, ऐसा उनका दावा है। मुझे यहाँ की चाट बहुत पसंद है। यहाँ की पानी पूरी तो बाय गॉड बहुत टेस्टी है। पानी पूरी खाने के लिए गाड़ी से निकलना पड़ता है, वहाँ जाकर आपको खानी पड़ेगी। आज मेरा मन पानी पूरी खाने का नहीं है, मैं खा रही हूँ सेव पूरी। सेव पूरी, भेल पूरी, दही पूरी, ये सब काफ़ी अच्छी होती है। ये रही मेरी सेव पूरी। यहाँ की प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा है, 80 रुपये की सेव पूरी है। आप सोचो चाट मतलब 80 रुपये की मिल रही है। बॉम्बे के चाट रेट्स तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ के थोड़े से और हैं। बट मेरे हिसाब से इसकी टेस्ट अच्छी है। आई थिंक 6 या 7 पीसेस आते हैं एक प्लेट में। ये एकदम बढ़िया तरीके से पैक होकर मिलती है, तो आप अपने गाड़ी में बैठकर या घर ले जाकर पार्सल के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं। चाट के जो मेन कैरेक्टर होते हैं ना, वो होती हैं चटनियाँ, और इनकी चटनियाँ काफ़ी अच्छी है। मीठी चटनी, तीखी चटनी, तीखी चटनी थोड़ी सी तेज़ है पर उसमें स्वाद तो पूरा है। और इन्होंने जो सेव डाला है ऊपर से, वो रेगुलर वाला नायलॉन सेव नहीं है, बारीक सेव है, पर इसकी फील थोड़ी सी अलग है। हर शाम यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो अगर आप इस एरिया में हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए और इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इंजॉय करने वाली हूँ बाकी की सेव पूरी और फिर जाने वाली हूँ एक बहुत ही लंबे वॉक पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक देना ना भूलें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनके साथ आप ऐसे टाइप के ड्राइव पे निकलना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जल्दी मेरे अगले वीडियो में मिल सकें। अभी के लिए इतना ही, बाय।